नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हम अपने टेरेस पे पॉट्स में, ग्रो बैग्स में गोभी के पौधे लगाते हैं तो उनकी केयर कैसे करें, किस साइज़ की ग्रो बैग्स में हम गोभी लगाएं और किस साइज़ की ग्रो बैग में कितनी गोभी के पौधे हमें लगाने चाहिए, कब कंपोस्टिंग करनी चाहिए ताकि हमारे गोभी के पौधे बड़े फूल में तब्दील हों गोभी और उसमें अच्छी फ्रूटिंग हमें मिले। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गोभी की पूरी डिटेल जानने के लिए। इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गोभी के पौधों लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही टाइम पे इसके सीडलिंग्स लगाएं। जो इसकी सीडलिंग्स लगाने का टाइम होता है दोस्तों, वो सितंबर मिड से शुरू होता है। 15 सितंबर के बाद से इसके पौध रोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप चाहें तो सीडलिंग्स भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो पौध भी डायरेक्ट नर्सरी से लेके आके आप लगा सकते हैं। तो आपको गोभी में अच्छी पैदावार लेने के लिए गोभी की जो नर्सरी बनानी है वो आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें आपको सीड्स लगा देनी चाहिए और अगर आप पौधे ले आके लगाते हो तो आप पौधों को भी अक्टूबर लास्ट तक लगा लें। इससे क्या होता है कि आपको टाइम रहते गोभी में अच्छी फ्रूटिंग मिलती है और जब टाइम निकल जाता है, सीजन थोड़ा ठंड चरम पे आ जाती है, तो फिर वही फ्रूट्स हमारे बड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसको टाइम से इसकी बुआई ज़रूर कर लें। अब बुआई करने के बाद जब हम सीडलिंग्स लगाते हैं या फिर हम सीड नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो दूसरी जो चीज़ होती है कि आपको प्लांट्स की जो रीपॉटिंग होती है, अगर सीड्स लगवा रहे हो आप तो जब आपकी सीड्स जर्मिनेट हो जाएं, तैयार हो जाएं और रीपॉट करो उसे, तो उसकी टाइमिंग जो होती है, आप हमेशा कोई भी पौधा जब आप शिफ्ट करते हो तो उसे इवनिंग के टाइम में शिफ्ट करें, क्योंकि इवनिंग के टाइम में शिफ्ट करने से हमारे पौधे में जो ट्रांसफर शॉक होता है वो बहुत कम होता है। एक पूरी नाइट मिल जाती है पौधे को शिफ्टिंग शॉक जो है झेलने के लिए और वो अपने आप को शिफ्ट करके उस माहौल में ढाल लेता है। तो दूसरी चीज़ ये आपको ख्याल रखनी है। फिर तीसरी क्या है दोस्तों कि पॉट सिलेक्शन जो होता है गोभी के पौधे के लिए वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप एक गोभी के पौधे को लगाओ तो 12x12 के गमले में या ग्रो बैग में एक गोभी का पौधा आपको लगाना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, मेरा एक ग्रो बैग है पॉलीथीन का जो 12x12 का है, इसमें मैंने एक एक पौधे एक एक बैग में लगाए। अगर आपका कोई बड़ा ज़्यादा स्पेस है तो आप कम से कम 12 इंच की डिस्टेंस रखिए दो पौधों के बीच में। क्या होता है, हम कभी कभी लालच में एक से दो पौधे, अब अगर इस ग्रो बैग में हमने दो पौधे लगा दिए तो दोनों ही पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी या फिर एक पौधा तो थोड़ी बहुत ग्रोथ पकड़ लेगा, दूसरा पौधा पूरी तरह से मर जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तीसरी कि जब हम पौधे को लगाते हैं, जैसे मैंने जब पौधों को लगाया था अपनी गोभी के, मैंने सीड से इसे तैयार किया हुआ है, तो जब मैंने इसे लगाया, ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया ग्रो बैग में, तो आप स्टार्टिंग के 10-12 दिन तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंपोस्टिंग नहीं करेंगे। जो मिट्टी हम बनाते हैं उसमें जो कंपोस्ट होता है वही कंपोस्ट हमारे पौधों के लिए उपयुक्त होता है, उससे ज़्यादा कंपोस्टिंग की आवश्यकता स्टार्टिंग में नहीं होती है। अब जो मिट्टी हम बनाते हैं वो आपको पहले से ही पता है कि 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट और 30% गार्डन सॉइल के साथ 10% में हम नीम खली, बोन मील और जो सरसों खली है ये मिला के हम बनाते हैं। तो मिट्टी में उपयुक्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टार्टिंग में पौधों को अपनी ग्रोथ पे जाने के लिए। जब 10-12 दिन के पौधे हो जाएं आपके तो आप इसमें लिक्विड मैन्योर, सरसों की खली से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, वो गाय के गोबर से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट आप इसमें स्टार्टिंग में दीजिए। फिर जब इसमें आप देखें इस तरह से फ्लोरिंग की स्थिति आ जाए तो फिर आप इसमें कंपोस्टिंग थोड़ी बढ़ाइए। 15 दिन में एक बार आप काउडंग कंपोस्ट इसमें फिर या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं।
इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों जो दो चीज़ें और बहुत ज़रूरी है गोभी के पौधे के लिए, कि इसको धूप पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। अगर धूप नहीं मिलेगा तो गोभी का पौधा फिर ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा। तो इन कंपोस्टिंग के साथ साथ इसमें धूप भी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये मेरे पौधे कुछ जो मैं अभी शिफ्ट किया हूँ, ये पौधा मेरा, इसको धूप नहीं मिल रही थी। सारे पौधे एक साथ के हैं, आप देख सकते हैं सभी पौधों में डिफरेंस। कुछ पौधे जो मेरे धूप में नहीं थे और उनको मैंने अभी शिफ्ट किया है, फिर जगह बदली है, और जो पौधे धूप में थे उनमें देखिए आप फ्रूटिंग भी आ गई। मैंने दो पौधे, दो गोभियाँ इसे आज मॉर्निंग में हार्वेस्ट भी किया है, तो जिनमें धूप मिल गई वो पौधे फ्रूटिंग की स्टेज पे हैं, और जो धूप नहीं पाए वो अभी ग्रोथ पकड़ रहे हैं। तो मैंने इन्हें फिर शिफ्ट किया है, पोजीशन बदली है अपने पॉट्स की, कि इनमें भी ग्रोथ आए। धूप के अलावा दोस्तों वाटरिंग की भी खास ख्याल रखना है, कि मिट्टी जैसे दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए मिट्टी इसमें गीली है, इसमें अभी वाटरिंग की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको दूसरा पॉट यहीं सेम प्लेस पे, इसमें देखिए मिट्टी हमारी ऊपर की सतह सूख गई है, ये देखिए। तो इसकी भी आपको पूरी केयर रखनी है कि कब किस पौधे में हमें पानी की आवश्यकता है, किस पौधे को पानी की आवश्यकता है, उसको हमें कब पानी देना है। ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप ब्रोकली, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सभी पे ये सेम चीज़ें लागू होती हैं। आप देखिए मेरे ये पत्ता गोभी में अब गोभी बनने लगी है, सारे पौधे देख सकते हैं आप। तो इन कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी गोभी अपने ग्रो बैग्स में, गमलों में उगा सकते हैं, और उसमें अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं, बड़े बड़े फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।